सोनीपत भाजपा नेता अमित बिंदल ने समर्थकों के साथ वीरवार को सोनीपत विधानसभा के कालूपुर चुंगी में श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आमंत्रण यात्रा निकाली, जिसमें लगभग हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान श्रीराम के जयकारे लगाए गए। अमित बिंदल ने कहा कि वे हर विधानसभा क्षेत्र में आमंत्रण यात्रा निकाल कर लोगों को श्रीराम मंदिर निर्माण का साक्षी बनने का आमंत्रण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान, सभी देशवासी 22 जनवरी को दिवाली के रूप में मनाएंगे, हर घर में दीपक जलाए जाएंगे। आज सोनीपत विधानसभा के जो हमारी आमंत्रण यात्रा है, आज हम सोनीपत कार्यालय भाजपा कार्यालय हाउस नंबर 999 999 से हम प्रारंभ करेंगे और पूरे सोनीपत शहर से होते हुए ये कालूपुर चुंगी में समापन होगा आमंत्रण यात्रा का। 22 जनवरी 2024 को हमारे भगवान श्री रामलला जी अपने अयोध्या नगरी लौटेंगे और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 500 साल बाद हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से संभव हो पाया है और भारतीय जनता पार्टी के अथक प्रयासों से संभव हो पाया है कि 500 साल बाद एक ऐतिहासिक दिन बनेगा 22 जनवरी 2024। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे नरेंद्र मोदी जी का, यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के, और हमारी टीम, मोदी जी की टीम पूरी लोकसभा क्षेत्र में अब तक 5 विधानसभाओं में हम यात्राएं कर भी चुके हैं, चाहे बात गन्नौर की हो या बात खरखोदा की हो, गोहाना की हो, राय की बात करें, उसी तर्ज पर आज सोनीपत विधानसभा में हम आमंत्रण यात्रा निकालेंगे और पूरी लोकसभा की 9 विधानसभाओं में हर गांव में शहरों में जाकर के हम आमंत्रण यात्रा के माध्यम से सभी आम जन को आमंत्रित दे रहे हैं, आमंत्रण कर रहे हैं कि 22 जनवरी 2024 को सभी श्रद्धालु जय श्री राम के नारे लगाते हुए अयोध्या पहुँचें और जो श्रद्धालु किसी वर्ष कारणवश नहीं पहुँच पाते हैं, अपने घरों में रह करके दिए जलाएं, दिवाली मनाएं और आसपास के मंदिरों में जाकर के भजन कीर्तन करें और भगवान श्री राम को याद करें। जय श्री राम, जय श्री राम। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।